ब्रेकिंग न्यूज यहाँ आपको बता दें कि अफ़गानिस्तान पर तालिबान के कब्ज़े और देश में मचे हाहाकार के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की रणनीति पर सवाल उठने लगे हैं दुनिया भर के नेताओं से लेकर उनके अपने ही देश में अब निशाना साधा जा रहा है उन पर बिना किसी प्लानिंग के अफग़ानिस्तान से आनन फानन में अमेरिकी सेनाओं को वापस बुलाने के फैसले पर गुस्सा देखने को मिल रहा है जी हाँ आपको बता दें कि रविवार को मिली खबरों के मुताबिक जी हाँ पूछा गया कि अमेरिकी विदेश मंत्री से पूछा गया आखिर राष्ट्रपति ने इतना गलत फैसला ले कैसे लिया इससे पता चलता है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन के फैसले से अमेरिका में ही कितना गुस्सा है जी हाँ आपको बता दें कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन में तालिबानी लड़ाकों की एंट्री की तस्वीरें सामने आने के बाद से बाइडेन के समर्थक और आलोचक दोनों ही उन पर सवाल उठा रहे हैं खबरों से मिली खबरों के मुताबिक जी हाँ आपको बता दें कि अमेरिकी संसद की विदेश मामलों की समिति के सदस्य रिपब्लिकन सांसद माइकल मैकलॉल ने कहा अफ़गानिस्तान में मचा उपद्रव प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंसी पर धब्बा है उन्होंने कहा कि जो बाइडन ने अफ़गानिस्तान को लेकर जो किया है उससे उनके हाथ खून से रंग दिए गए हैं बराक ओबामा के दौर में अफगानिस्तान के राजदूत रहे रैन क्रॉकर ने कहा कि मेरे दिमाग में जो बाइडन की लीडरशिप को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं जी हां आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप भी जो बाइडन से काफी खफा है जी